हेलो डियर स्टूडेंट, इस सुमित सर। और आज मैं लेकर आया हूँ मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3। देखिए, मैकेनिक्स के पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे थे मैकेनिक्स का, जिसका नाम था मोमेंट। और मोमेंट यूनिट जो है, क्लास में भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। जो चीज़ें बची हुई थी उसको मैं लेक्चर के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। और इसमें मैंने पिछले दो लेक्चर्स में आपको बीम के सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना सिखाया, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग बीम का, ठीक है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, बहुत सारे लोगों ने एकदम सही से लगा के उसको दिखाया है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इस चैप्टर में देखिए दो चीज़ें और बाकी हैं। एक बाकी है समांतर बलों का परिणामी, ठीक है। जो समांतर बल होते हैं, पैरेलल फोर्सेज, उनका रिजल्ट कैसे निकलता है, ये हेडिंग बाकी है। और दूसरा हेडिंग बाकी है कपल, यानी बल युग्म क्या होता है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करने हैं। तो ये दो हेडिंग इसमें बाकी है, बस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, आपको याद होगा जब हम लोग, आज मैं ये हेडिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेज पढ़ रहे थे, बलों का निकाय, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग तरह के बलों के निकाय होते हैं, जैसे संगामी बल निकाय, असंगामी बल निकाय, समांतर बल निकाय। तो उसमें हम लोग तरह तरह के बल निकायों के बारे में पढ़े थे। और अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में, मतलब लेक्चर्स में नहीं बल्कि क्लास में, हम लोग ये पढ़े थे कि संगामी बल निकाय का परिणामी कैसे निकालते हैं। जैसे अगर ऐसे कोई बल निकाय हो, यहाँ पर ऐसे काम कर रहा हो, सब संगामी हो, इसका परिणामी कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको घटक वाला तरीका बताया था कि घटक निकाल के इसको हम लोग परिणामी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोगों ने सीखा था। दो से ज़्यादा बल हो तो घटक निकाल के हम लोग कर लेंगे, दो बल हो तो समांतर चतुर्भुज के नियम से भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग सीखे थे। अब हमको ये सीखना है कि अगर संगामी बल निकाय न हो, समांतर बल निकाय हो, तो उसका हम लोग परिणामी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यही आज का आपका हेडिंग रहेगा। आप लोग अपने नोट्स में ये हेडिंग डालिएगा, रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेज, माने समांतर बलों का परिणामी। अब समांतर बल सभी लोग जान ही रहे हैं, समांतर बल क्या होता है, जो बल समांतर हो, ठीक है, तो उसे समांतर बल कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु है और इस पर ऐसे बल लग रहा हो, मान लो ऐसे दो बल लग रहे हों या तीन बल लग रहे हों, और ये सब समांतर होते हैं, समांतर बल निकाय कहलाएगा। समांतर बल इधर भी हो सकता है, ठीक है, ये भी समांतर, मतलब भले ये विपरीत दिशा में है तो वो भी समांतर ही, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहेगी तो वो समांतर है, तो इसको कहते हैं समांतर बल निकाय। अब हमको इनका परिणामी निकालना सीखना है, ठीक है। तो समांतर बलों के परिणामी जो है, इस हेडिंग को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जब सभी समांतर बल समान दिशा में हो, जिसको हम लोग कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेज, यानी सदिश समांतर बल, ठीक है, सदिश समांतर बल, जब सभी समांतर बलों की दिशा एक ही हो, ठीक है। और दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, मतलब असदिश समांतर बल, मतलब उनके समांतर बलों की दिशा विपरीत हो, मतलब मान लो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक बीच में इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक और इधर लग रहा है, मतलब ऐसे विपरीत दिशाओं में लग रहा हो, तब उनका परिणामी कैसे निकलेगा। तो चलिए, आज हम लोग पहले पढ़ेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेज और फिर अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। तो चलिए पहले लाइक पैरेलल फोर्सेज पढ़ते हैं कि सदिश समांतर बलों का परिणामी कैसे निकलेगा। तो देखिए, अब इसके लिए सबसे पहले मैं सदिश समांतर बल बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये कोई पिंड है और इस पर, और मैं देखिए मैं दो ही बल बना रहा हूँ। जैसे अगर आप दो बलों का परिणामी निकालना सीख लेंगे तो दो से ज़्यादा कभी सीख लेंगे। तो मान लो कि ये दो कोई पिंड है, इस पर दो सदिश समांतर बल, मतलब लाइक पैरेलल फोर्सेज इस तरह से लग रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लग रहा है। तो अब हमको इन दोनों का परिणामी पता करना है, मतलब ये पता करना है कि मान लो ये F1 है, ये F2 है, मान लो ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो इनका परिणामी कितना न्यूटन होगा और कहाँ काम करेगा, मतलब इस वस्तु पे, इस पिंड पे कहाँ इनका परिणामी काम करेगा और वो कितना न्यूटन होगा, ठीक है, ये हमें पता करना है। मतलब इन दोनों बलों को अगर मैं हटा दूँ तो इनके 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 परिणामी के रूप में मैं कितना बल लगाऊंगा कि वही प्रभाव इस पर पड़ेगा जो ये दोनों बल लगा रहे हैं, मतलब इन दोनों के बदले में कौन सा एक बल लगा दूं कि वही प्रभाव वो एक बल भी डालेगा जो ये दोनों बल मिलकर डालेंगे, उसी को तो परिणामी कहेंगे, और उस बल को मैं कहाँ लगाऊं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वही बल मैं लगाऊं तो कुछ और हो सकता है कर दे, यहाँ पे मैं कुछ वही बल लगाऊं तो कुछ और कर दे, ठीक है, और उसको किस दिशा में लगाऊं, ये सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेज का परिणामी कैसे निकलता है। तो देखिए, ये परिणामी दिखाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, ये पिंड वोंड बनाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल ये बिंदु दिखा रहा हूँ कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ठीक है। तो मान लो कि सपोज डेट कि यहाँ पे बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ बिंदु ए है और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक बल काम कर रहा है, ठीक है, इसको आप तिरछा ही बना सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मतलब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, बिंदु ए यहाँ पे, बिंदु बी यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, तो मान लो कि अभी मैं सीधा ही बना रहा हूँ, तो यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, ठीक, और आपको मान लो कि बिंदु ए पे एक बल काम कर रहा है, मान लो कि ये बल जो है F1 है
और दूसरा बल बिंदु बी पे काम कर रहा है, मान लो एफ टू है, दोनों समांतर हैं, सपोज है दोनों बल समांतर हैं। अब आपको बताना है कि इनका परिणामी कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों बल लाइक भी हैं, लाइक माने समान दिशा में हैं। तो देखिए जो लाइक पैरेलल फोर्सेज होते हैं उनका जो परिणामी होता है दोनों बलों का, ये दोनों बलों का क्रिया बिंदु है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी ये यहाँ पे ये दोनों बल काम कर रहे हैं, ठीक है, बिंदु ए और बी पर। तो देखिए जो सदिश समांतर बल होते हैं उनका जो परिणामी होता है वो उन दोनों बलों के क्रिया बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर ही होता है। ये बात जरूर याद रखिए कि मिलाने वाली रेखा पर ही होता है, ठीक है, मिलाने वाली रेखा पर ही होता है। अब उसका मान कितना होता है और वो काम कहाँ करता है, तो देखो वो काम करता है बड़े वाले बल के तरफ, मतलब ये बल एकदम बीच में नहीं काम करेगा, बीच में तब काम करेगा जब दोनों बराबर हों, अगर दो एक बड़ा है एक छोटा है तो ये बड़े वाले के तरफ, मतलब यहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है, बीच से थोड़ा सा हट के ये काम करेगा। एग्जैक्ट कितना दूर पे काम करेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो याद रखिए कि जब लाइक पैरेलल फोर्सेज होते हैं तो उनका परिणामी उनको उनके क्रिया बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कार्य करता है और बड़े वाले बल के तरफ होता है, तो यहाँ पे वो परिणामी काम करेगा। अब ये परिणामी की दिशा किधर होगी, तो परिणामी की दिशा उन दोनों बलों की दिशाओं में होगी, मतलब परिणामी भी इन दोनों के समांतर होगा, तो मतलब परिणामी भी ऐसे होगा। अब इस परिणामी का मान कितना होगा, तो इस परिणामी का मान जो होगा वो F1 और F2 के योगफल के बराबर होगा। सीधी सी बात है कि R बराबर F1 प्लस F2, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और बल होता है तो R बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, जितने बल रहेंगे सबका योगफल हो जाएगा अगर लाइक पैरेलल फोर्सेज हैं तब, ठीक है। तो ये होता है आपको, तो आप ये हेडिंग नोट्स में अपने डाल के और लिखेंगे कि सदिश समांतर बलों का परिणामी उनके क्रिया बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कार्य करता है और यह बड़े वाले बल के तरफ होता है, ठीक है। और नीचे लिख देंगे परिणामी R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 और एक फिगर बना लेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये जो परिणामी है, मान लो बिंदु यम पे काम कर रहा है, तो आपको इस यम की स्थिति बतानी है कि यम जो है इससे कितने दूरी पर है, चाहे इससे कितने दूरी पर है। स्थिति का मतलब आप या तो बी से बता दीजिए, नहीं तो ये से बता दीजिए कि ये कितना मीटर या सेंटीमीटर जो भी है ये कितना है, यही आपको बताना है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, आपको मैं एक थ्योरम बताया था वेरिग्नास थ्योरम, तो देखिए हम लोग इसके लिए वेरिग्नास थ्योरम का यूज करेंगे, वेरिग्नास थ्योरम, ठीक है। और ये होता है वेरिग्नास थ्योरम क्या कहता है, तो वेरिग्नास थ्योरम मैंने आपको बताया था कि यदि किसी पिंड पर दो बल काम कर रहे हों तो उन दोनों बलों का किसी भी बिंदु के परितः आघूर्णों का योग उनके परिणामी का, मान लो इन दोनों का परिणामी है, तो उनके परिणामी का उसी बिंदु के परितः आघूर्ण के बराबर होता है, मतलब ये एफ वन है, ये एफ टू है और ये आर है, तो एफ वन और एफ टू का इस बिंदु के परितः, आप बिंदु कहीं ले सकते हैं, बिंदु लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो एफ वन और एफ टू का इस बिंदु के परितः आघूर्णों का योग, मतलब एफ वन इंटू डी वन प्लस एफ टू इंटू डी टू, ये आघूर्णों का योग बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो आर इंटू डी के, मतलब परिणामी का उसी बिंदु के परता आघूर्ण के बराबर होगा, ठीक है। तो ये नियम कहता है, ठीक है, ये नियम दो बलों के लिए होता है या जो इसका व्यापक रूप होता है वो अनेक बलों के लिए भी होता है, मतलब मान लो कि एफ वन एफ टू एफ थ्री हो या फोर हो, तो उन सभी बलों का किसी भी बिंदु के परता आघूर्णों का योग उन सभी बलों के परिणामी का उसी बिंदु के परता आघूर्ण के बराबर होता है, यही नियम मैं आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वेरिंगटन थ्योरम का अगर यूज करें, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बेरिंगम थ्योरम का यहाँ पे यूज करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये दो बल काम कर रहे हैं, इन दोनों बलों का परिणामी ये है, तो और हम बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, हम ए पे भी ले सकते हैं, बी पे भी ले सकते हैं, एम पे भी ले सकते हैं, बी पे भी ले सकते हैं, तो बेरिंगम थ्योरम लगा देते हैं, चलो हम बिंदु एम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब नियम क्या होगा कि एफ वन का एम के परतः आघूर्ण प्लस एफ टू का एम के परतः आघूर्ण बराबर आर का एम के परतः आघूर्ण, ये नियम होगा, तो लगाते हैं। तो देखिए तो बेरिंगम थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि अब बताओ एफ वन का एम के परतः आघूर्ण क्या होगा, तो एफ वन का एम से दूरी, तो एफ वन गुणे ए एम, एफ वन का दूरी एम से क्या है ए एम, तो एफ वन इंटू ए एम, ठीक। और ये बराबर होगा किसके, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चिन्ह का ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये जो एफ वन इंटू ए एम होगा, एफ वन इंटू ए एम, ये अगर यहाँ पे जिसके परतः आप आघूर्ण ले रहे हैं वहाँ पे एक कील ऐसे लगा लीजिए, ऐसे कील, तो एफ वन ऐसे नचाएगा ना क्लाक वाइज, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एफ वन इंटू ए एम, ठीक है। चलो अब इसी के परतः आपको एफ टू का आघूर्ण निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए एफ वन का इस एफ वन का एम के परतः आघूर्ण अगर हम निकालेंगे तो एफ वन इंटू ए एम होगा,
ठीक है, बल गुणे दूरी, और माइनस होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। फिर एफ टू का निकालेंगे तो एफ टू इंटू बी एम होगा, क्योंकि बल एफ टू है और एफ टू का इससे यम से दूरी, यम के प्रति हम निकाल रहे हैं, तो एफ टू इंटू बी एम होगा प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा यहाँ पे अगर कील है तो, प्लस एफ टू इंटू बी एम। और ये दोनों आघूर्ण किसके बराबर होंगे, तो ये दोनों आघूर्ण बराबर होंगे आर आर गुणे आर का आघूर्ण यम के परतः क्या होगा, तो जीरो होगा, क्योंकि आर यम से ही गुजर रहा है तो उसका यम से कोई दूरी नहीं हो, तो आर इंटू जीरो। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज ये पूरा ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ टू इंटू बी एम इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा एफ वन इंटू ए एम। और इसको अगर मैं लिखूँ तो ये ऐसे लिखा सकता है कि एफ टू बटे एफ वन इज इक्वल टू ए एम अपान बी एम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ वन अपान एफ टू, एफ वन अपान एफ टू इज इक्वल टू, यहाँ उल्टा कर दें तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा बी एम अपान ए एम। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा आया कि हमें हम ये पता चला कि अगर हम इस बल और इस बल का भाग दे दें तो हमें, अगर एफ वन अपान एफ टू हम कर दें तो हमें बी एम अपान ए एम मिल जाएगा, मतलब इन दोनों दूरियों का अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है, और अनुपात पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसी विधि है कि हम, अगर हमको ये पता चल जाए कि इन दोनों दूरियों का अनुपात इतना इतना है तो हम ये दूरियाँ भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यही समांतर बलों का, सदिश समांतर बलों का परिणामी निकालने का तरीका होता है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि दोनों बिंदुओं को, जो सदिश समांतर बलों का परिणामी होता है, वो दोनों बलों के क्रिया बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं होता है, यह परिणामी बड़े वाले बल के नजदीक होता है। ठीक है, इसका मान दोनों बलों के योगफल के बराबर होता है, इसकी दिशा दोनों बलों की दिशा में होती है, मतलब ये भी दोनों के समांतर होगा, और यह इस बल का जो क्रिया बिंदु यम है, यम ये ए बी को, ये ए बी को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करता है, मतलब यम जो है इस ए बी को विभाजित कर रहा है, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो अगर आप बी एम अपान ए एम निकालेंगे तो एफ वन बटे एफ टू आ जाएगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो बिंदु यम है, जो बिंदु यम है, ये इस रेखा ए बी को बलों के व्युत्क्रमानुपात में विभाजित कर रहा है, बलों के इन्वर्स रेशियो में या रेसिप्रोकल में ये विभाजित कर रहा है। कैसे, तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम एफ वन बटे एफ टू कर रहे हैं तो यहाँ पे ए एम बटे बी एम नहीं हो रहा है, एफ वन बटे एफ टू कर रहे हैं तो ए एम बटे बी एम नहीं हो रहा है, बी एम बटे ए एम हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं बिंदु यम जो है ये इस रेखा को इंटरनली, मतलब रेखा को इंटरनली मतलब रेखा के बीच में, तो रेखा को इंटरनली बलों के व्युत्क्रमानुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर तो अगर हमें अनुपात पता ही चल गया तो हम ये दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक बल है ये, जैसे मान लीजिए कि एक बल यहां पे ऐसे लग रहा है 15 न्यूटन और एक बल ये लग रहा है 5 न्यूटन। ठीक, ये ए पे लग रहा है, ये बी पे लग रहा है, तो ये तो श्योर है कि इनका जो परिणामी होगा वो 15 वाले के करीब में होगा, यहाँ पे ये बिंदु यम है और इनका परिणामी 20 न्यूटन होगा, श्योर है कि 15 और 5 20 हुआ और इधर होगा। अब आपको पता करना है कि, और सपोज डेट की ये दूरी, सपोज डेट की ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, और आपको पता करना है कि यम की दूरी यहाँ से कितना है, चाहे यहाँ से कितना है, कोई एक दूरी आप बता दीजिए, एक पता चल जाएगा तो दूसरा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो आप अभी 20 ये टोटल दूरी है, तो आप ये तो पता कर सकते हैं ना कि ये जो यम है इसका और इसका अनुपात क्या होगा। तो अभी मैं बताया हूँ कि अगर आप 15 में 5 का भाग दे दें, यानी एफ वन बटे एफ टू कर दें, पर 15 में 5 का भाग दे दें, तो आपको अनुपात इसका बटे इसका पता चलेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों अनुपात पता चल जाएगा, इतना बटे इतना क्या होगा। तो 15 बटे 5 अगर आप कर दें तो ये करने पे कितना आ रहा है, तो ये करने पे आ रहा है 3/1, 3/1 आ रहा है ना, यानी पता चल गया कि ये 3 भाग होगा तो ये 1 भाग होगा, मतलब ये 3 हिस्सा होगा तो एक ये हिस्सा होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि टोटल लंबाई 20 है, 20 का 3 हिस्सा क्या होगा और 1 हिस्सा क्या होगा, आपको बड़े आराम से ये पता चल सकता है कि 20 का 3 हिस्सा क्या होगा और 1 हिस्सा क्या होगा, टोटल 20 होना चाहिए। तो आपको अगर अनुपात पता चल गया तो ये पता कर सकते हैं आप कैसे, तो देखिए 20 गुणे, अगर आपको 3 हिस्सा पता करना है तो 20 गुणे 3 आप बटे अनुपाती योग, मतलब 3+1=4, तो 4 × 6 20 हुआ, तो 5 × 3 15 होगा, यानी हमें पता चल गया कि ये हिस्सा 15 होगा। ठीक, यानी ये 15 सेंटीमीटर होगा, और इसी तरह से आप ये 15 है तो 20 में से 15 घटा ही दीजिए केवल, तो आपका 5 आ गया, यानी आपको पता चल गया कि
यम की दूरी यहाँ से 5 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से 15 सेंटीमीटर होगी, सीधे पता चल गया। ठीक है, अनुपात देख लीजिए, तो ये 3:1 का अनुपात है, 15/5 अगर आप करें तो 3:1 आ जाएगा, यानी F1/F2। यानी आप ये बात याद कर लीजिए कि अगर दो सदिश समांतर बल होते हैं तो उनका जो क्रिया बिंदु यम होता है वो दोनों को मिलाने वाली रेखा ए बी को बलों के व्युत्क्रमानुपात में विभाजित करता है आंतरिक रूप से, मतलब आंतरिक रूप मतलब ए और बी के बीच में वो बिंदु आएगा। ठीक है, तो आंतरिक रूप से ए बी को बलों के व्युत्क्रमानुपात में विभाजित करता है बिंदु यम। ठीक है, तो यही आपको अपने कॉपी में नोट करना है। तो देखिए आप इसको नोट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल के और ये फिगर बना के और आप लोग वो बात लिख दीजिएगा कि जो परिणामी होता है, मतलब दो सदिश समांतर बलों का जो परिणामी होता है उनकी क्रिया बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य में होता है तथा बड़े बल के नजदीक होता है तथा परिणामी की दिशा दोनों बलों की दिशाओं में होती है। परिणामी का मान R = F1+F2, फिर ब्रिंगम थ्योरम लगा के लिख दीजिएगा। और ये लिखने के बाद एक कथन लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। कथन क्या लिखिएगा कि बिंदु यम रेखा ए बी को आंतरिक रूप से बलों के व्युत्क्रमान अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु यम रेखा ए बी को आंतरिक रूप से बलों के व्युत्क्रमानुपात में विभाजित करता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात का मतलब F1/F2 = BM/AM, ये इसका मतलब है जो यहाँ से दिखाया गया है। चलिए तो ये हमने कर लिया, अब हम फिर करेंगे कि रियल टेंट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होगा मतलब असदिश समांतर बल होंगे तो उनका परिणामी कैसे निकलेगा। अब देखिए, जब असदिश समांतर बल हो, मतलब ऐसे दो समांतर बल हो जो विपरीत दिशाओं में काम करते हो, हम दो ही बलों को लेकर चलेंगे, वैसे तो ये नियम सबके लिए लागू होगा लेकिन दो ही बलों को अभी फिलहाल लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अगर दो विपरीत दिशाओं में लगने वाले समांतर बल हो तो देखिए उनका परिणामी कैसे निकलेगा। तो मैं यहाँ पर दो बल बना रहा हूँ, सीधी रेखा में ही रखता हूँ। ठीक है, और मान लीजिए कि एक बल यहाँ पर बिंदु ए पे कार्य कर रहा है और दूसरा बिंदु बी पे, और सपोज डैट ये बल इधर है और ये बल थोड़ा छोटा है और इधर है। चलो मान लो ऐसे दो बल है, ये F1 है और ये F2 है। ठीक, तो अब देखिए इनका जो परिणामी होता है, पहले नियम जान लीजिए इनका क्या होता है कि इनका परिणामी इन दोनों बलों के क्रिया बिंदुओं यानी ए और बी को मिलाने वाली रेखा के मध्य में नहीं होता है। होता है इसी रेखा पर है लेकिन इस रेखा के मध्य में नहीं होता है, मतलब रेखा के बीच में नहीं होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये इनका इनका परिणामी नहीं काम करेगा। परिणामी इस रेखा के बाहर होता है, होता इसी रेखा पर है लेकिन रेखा के बाहर, मतलब इस रेखा को या तो इधर बढ़ा दो तो मिल जाएगा या तो इधर बढ़ा दो तो मिल जाएगा। अब किधर बढ़ाने पर परिणामी मिलेगा तो ये याद कर लीजिए कि परिणामी सदैव बड़े बल के निकट होता है। ठीक है, तो आपको इस रेखा को इधर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बढ़ाइए तो यहाँ कहीं आपको परिणामी मिल जाएगा, मतलब यहीं पे परिणामी काम करेगा। तो पहला नियम ये हो गया कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का जो परिणामी होता है वो दोनों रेखाओं को बाहर की ओर बढ़ाने पर प्राप्त होता है और यह बड़े बल के निकट होता है। अब यहाँ पे परिणामी लगेगा, अब इस परिणामी की दिशा किधर होगी, तो इस परिणामी की दिशा बड़े वाले की दिशा में होगी। तो बड़े वाले की दिशा में ऐसे इसको बना दो, ठीक, मतलब ये नीचे की तरफ नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा। और अब इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा R = F1 - F2, प्लस F2 नहीं बल्कि -F2। बस बड़े में से छोटा आपको घटाना है, याद रखिएगा। ये नियम तब के लिए है जब F1 > F2 हो, अगर F2 > F1 हो तो उल्टा हो जाएगा, F2 - F1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि जब दो असदिश समांतर बल हो तो उनका परिणामी दोनों बलों के क्रिया बिंदुओं A और B को बढ़ाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, और यह परिणामी बड़े बल के निकट होता है, हो गया। और इसका मान R = F1 - F2 होता है। अब रहा सवाल ये है कि हमको इस यम की स्थिति पता करनी है कि यम इस ए से कितनी दूरी पर होगा या बी से कितनी दूरी पर होगा, कहीं एक से इसकी दूरी बतानी है, या तो ए से और या तो बी से। तो हम दूरी कैसे पता करेंगे, ये देखिए। तो दूरी पता करने के लिए फिर हम लोग वही काम करेंगे, वेरिग्नस थ्योरम लगाएंगे। बाय वेरिग्नस थ्योरम, तो देखिए वेरिग्नस थ्योरम लगाएंगे और वेरिग्नस थ्योरम क्या कहता है कि F1 का इसके परता आघूर्ण, ये आप आघूर्ण किसी के परता निकाल सकते हैं लेकिन हम यम को ही बिंदु मान के चल रहे हैं। तो F1 का इसके परता आघूर्ण, F2 का इसके परता आघूर्ण बराबर R का इसी के परता आघूर्ण। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे कोई पिंड है तो यहाँ पे हो सकता है F1 ऐसे लगे, यहाँ पे हो सकता है ऐसे F2 लगे और यहाँ पे कहीं ऐसे R लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ऐसे R लगेगा R। तो इस F1 का इसके प्रत्यागुण, F2 का इसके प्रत्यागुण और R का इसके प्रत्यागुण, मतलब आपको सभी का इसी के प्रत्यागुण निकालिए और फिर ब्रिंगम थ्योरम से इसको करिए। तो देखिए क्या होता है, तो
देखिए सबसे पहले तो यफोन का इसके पर तागुण, मतलब कील यहाँ पे है, यफोन ऐसे लगेगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे पिंड है और यहाँ पे बिंदु ए है, ऐसे यफोन लग रहा है और यम तो यहाँ पे है ना, तो जब ये बल ऐसे काम करेगा तो ये बल इस पिंड को ऐसे घुमाएगा, भले आपको लग रहा होगा कि ये इधर घुमाएगा, ऐसा नहीं होगा, कील यहाँ पे है तो ये बल ऐसे घुमाएगा, ठीक है, ऐसे बल जब इसको ऐसे बल आप ढकेलेंगे इसको ऐसे, तो ऐसे इसको घुमा देगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, तो यह फोन गुड़े और आघूर्ण क्या होता है बल गुड़े दूरी, तो यह फोन गुड़े ए एम, चलो ये यफ वन का हो गया। और यफ टू का देखिए, तो यफ टू यहाँ बल है यहाँ कील है, तो यफ टू तो ऐसे ही घुमाएगा, ठीक है, तो माइनस क्लॉकवाइज हो रहा है तो माइनस यफ टू गुड़े और बी से ए एम, तो यफ टू गुड़े बी एम इज इक्वल टू, और आर आर उसी बिंदु पर लग रहा है तो आर इंटू जीरो, ठीक, तो दिस इम्प्लाई यफ वन गुड़े ए एम बराबर हो गया यफ टू इंटू बी एम, ठीक, तो दिस इम्प्लाइज यफ वन बटे यफ टू बराबर ए एम बटे बी एम, सॉरी बी एम बटे ए एम, बी एम बटे ए एम, तो आप देखिए ध्यान से, तो सेम वही चीज़ आया जो पहले आया था, ठीक है, जो लाइक पैरेलल फोर्सेज में सदिश समांतर बल में भी यही आया था, यफ वन बटे यफ टू बराबर बी एम बटे एम, इसमें भी यही आया, लेकिन एक अंतर है जो दोनों में होता है कि अगर सदिश समांतर बल हो तो जो दोनों बल दोनों बलों का जो परिणामी काम करेगा उन बलों के बीच बलों के क्रिया रेखाओं के क्रिया बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं यानी ए और बी के बीच में होगा, यानी यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, यानी ये जो बिंदु है इंटरनली इस रेखा को इंटरनली डिवाइड करेगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे ये जो बिंदु यम है इस रेखा को ए बी रेखा को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो इस बात को याद रखिएगा, और वहाँ भी बलों के व्युत्क्रमान पार्ट में डिवाइड कर रहा था, यानी एफ वन बटे एफ टू बराबर बी एम बटे ए एम हो रहा था, न कि ए एम बटे बी एम, और यहाँ भी यही हो रहा है कि एफ वन बटे एफ टू बराबर बी एम बटे एम, यानी आप इन दोनों बलों का अनुपात निकाल देंगे, एफ वन बटे एफ टू कर देंगे तो ये बी एम और बटे ए एम निकल जाएगा, इन मतलब इस पूरे रेखा का और इसका इन दोनों का अनुपात निकल जाएगा, बी एम संबंध है ए एम, तो आपको अगर ये संबंध पता चल गया कितना रेशियो है तो आप बड़े आराम से या ये दूरी अथवा ये दूरी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और वो दूरी आपको बी से आप एम का बता दीजिए चाहे ए से एम का बता दीजिए, वो दोनों में से कोई भी एक दूरी आप बता दीजिए तो स्थिति पता चल जाएगी, ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देकर बता दूंगा कि कैसे दूरी कैलकुलेट आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल तो कराऊंगा ही, तो ये हो गया असदिश समांतर बल, तो क्या लिखेंगे कि जब दो बल विपरीत दिशा में काम करते हैं, दो समांतर बल विपरीत दिशा में काम करते हैं तो उनका परिणामी उनके क्रिया बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बाहर स्थित होता है, ठीक है, तथा परिणामी बाह्य बल के बड़े बल के निकट होता है, परिणामी दिशा बड़े बल की दिशा में होती है और उसका मान r बराबर एफ वन माइनस एफ टू, चलो अरेंजमेंट टर्म से ये प्रूफ कर दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ जो बिंदु यम है ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है ए बी को बलों के व्युत्क्रम अनुपात में, जबकि लाइक पैरेलल फोर्सेज में जो यम है वो बलों को इंटरनली डिवाइड करता है बलों के व्युत्क्रम अनुपात में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, ओके, ये मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता भी दे रहा हूँ, मान लो कि एक बल यहाँ पे हो अभी 15 न्यूटन और एक बल हो यहाँ पे विपरीत दिशा में 5 न्यूटन, मान लो ये दो बल हैं और आपको पता करना है कि इनका परिणामी क्या होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये विपरीत है तो उस कंडीशन में आपको इस रेखा को बढ़ाना पड़ेगा और बड़े वाले बल के तरफ होगा तो आपको इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बिंदु यम होगा और यहाँ पे कितना काम करेगा, तो 15 - 5 = 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का बल होगा, और आपको अभी ये पता करना है कि इस यम की दूरी क्या होगी, तो आप सीधा सा काम क्या करिए कि आप 15 - 5 से भाग दीजिए, तो अगर आप 15 - 5 से भाग देंगे तो ये लंबाई किसकी होगी, ये अनुपात किसका होगा, बी एम बटे ए एम होगा, देखो यहाँ पे लिखा है बी एम बटे ए एम, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप अगर आप देखो बड़ा छोटा इसमें मत रटना, अगर आप इतना बटे इतना करेंगे तो आपका ये बटे ये निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, अगर यही मैं उल्टा कर दूंगा तब देखिए क्या होगा, उसको मैं भी बता रहा हूँ, पहले इसको देख लीजिए, तो 15 - 5 करेंगे तो ये कितना आया, 3 संबंध 1 आएगा ना, 3 संबंध 1, तो आप देखिए, तो आपको पता करना है कि ये लंबाई बटे ये लंबाई कितनी है, तो ये देखिए कि ये टोटल लंबाई जो है इसको थोड़ा सा मान लीजिए, मान लीजिए टोटल लंबाई 20 है, ठीक, तो अगर ये टोटल लंबाई 20 है और इस लंबाई को आप सपोज थोड़े देर के लिए आप इसको यक्स मानिए, ठीक, तो अगर ये लंबाई यक्स है यहाँ से यहाँ तक, आपको मान लीजिए यही यक्स पता करना है कि ए से यम कितने दूरी पे है, तो ये बताइए तो ये टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 20 + यक्स, तो 20 + यक्स टोटल लंबाई हो गया बी एम बटे ए एम माने यक्स बराबर 3 संबंध 1, यही तो ये बता रहा है, 15 - 5 आपने इसका इसमें भाग दिया, इस बल में इस बल का भाग दिया, तो 15 - 5 बराबर ये लंबाई बटे ये लंबाई, यानी
15 बटे 5 आपने किया तो 3 संबंध 1 आया, और ये 3 संबंध 1 किसके बराबर होगा, ये लंबाई यानी 20 आप प्लस यक्स आप बटे में यक्स, तो ये हो गया 3 संबंध 1। अब इस समीकरण को सॉल्व करके क्या हम यक्स नहीं निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि 20 प्लस यक्स बराबर 3 यक्स, तो इसको आप पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 यक्स माइनस यक्स बराबर 2 यक्स, तो 2 यक्स बराबर 20, तो यक्स बराबर आ गया 10। यानी यहाँ से ये 10 मीटर पे इधर काम करेगा, ये हमको 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर जो भी हो, ये जिस मात्रक में हो, तो हमको पता चल गया। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ये दूरी कितनी होगी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यम की स्थिति को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका असदिश समांतर बलों का परिणाम ही। तो आपको ये नहीं उतारना है, ठीक है, तो बस आप इतना कॉपी में अपने उतार लीजिएगा। अगर बल छोटा हो, मान लीजिए कि इधर का बल, सपोज डेट कि ये बल बड़ा होता, ये 15 होता और ये मान लो 5 होता, तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में बल इधर काम करेगा, इधर, और इधर इसकी दिशा होगी, इधर होगा 10 न्यूटन, यहाँ पे 15 माइनस 5 और 10 न्यूटन, तो ये ए है, ये बी है और ये एम है। तो इस कंडीशन में आप ऐसे करेंगे कि आप मान लीजिए 5 में 15 का भाग दे रहे हैं, तो देखिए अगर आप 5 बटे 15 कर रहे हैं, मान लो आप इसको F1 मान रहे हैं, इसको F2 मान रहे हैं, तो 5 बटे 15, तो 5 बटे 15 की ये, तो ये 1 संबंध 3 आया ना, 1 संबंध 3, तो अब देखिए, तो अब फिर बी एम बटे ए एम ही आएगा, ये नहीं बदलेगा भले वो छोटा हो गया। देखिए बी एम बटे ए एम मतलब, अब मान लो कि ये यक्स है, अगर ये इतना दूरी यक्स है तो बी एम मतलब यक्स बटे, और ये मान लो 20 है तो यक्स बटे 20 प्लस यक्स बराबर अब 1 संबंध 3। इसमें भी आप सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपका यक्स निकल जाएगा, देखिए आप करके भी देख सकते हैं। तो देखिए 3 यक्स बराबर 20 प्लस यक्स, तो ये इधर आया, ये इधर आया, तो फिर ये 2x हो गया, 3x में से, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 2x बराबर 20, तो x बराबर 10, तो यहाँ पे आपका फिर ये इधर 10 आ गया जो उधर 10 आया था, तो आंसर सेम आया। तो इससे मतलब ये आप समझिए कि 5 बटे 15 यहाँ पे आप इस बल का भाग दे दिए तो आपको बी एम बटे ए एम पता चल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आप इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए मैं इसी पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करके दिखाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं दिया हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको चारों क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट टर्न पे मैं ये सारा सॉल्व करके आपको बताऊंगा भी, और कुछ नया क्वेश्चन आपको दूंगा भी, क्योंकि अभी इस टॉपिक पे क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन और इस टॉपिक पे रहेगा, थोड़े और भारी भारी क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए बहुत आसान क्वेश्चन मैं दिया हूँ, आप इसको पढ़ेंगे तो सब समझ में आपको आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइएगा। ओके।